करता हूँ सर। आपसे सर बस 2 मिनट लूंगा, क्योंकि आपके स्वागत के लिए हमारे साथ आंचल जी आ रही हो देर इन द क्लास, आंचल तिवारी जी। जी सर, जी सर। हाँ सर, आप आंचल जी हमारे साथ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं और आपके स्वागत में कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। आंचल जी प्लीज, जी सर। वीडियो नमस्ते कॉल कर सर, लीजिए। प्रणाम सर, आपके स्वागत में सर। यहाँ पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वालस स्वरूप के द्वारा स्तुति करते हुए और मंगलाचरण करेंगे। तो करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पुत्पत्रस्य पुटे शयानम् वालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक के द्वारा एक बार वंदना करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्र शूरयः तेजो बारी मृदान यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। जी सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर श्वेता मैम आर यू देयर इन द क्लास? डॉक्टर श्वेता नरोने मैम। जी सर। मैम प्लीज। जी, ये श्वेता मैम है। मैम सर झारखंड से हैं और आप आए हैं, इसकी बड़ी खुशी और बड़ी तैयारी हमने बड़े कम समय में किया, तो हमारे सभी स्टूडेंट आपके लिए बड़े मतलब तैयार थे। मैम प्लीज आप सर का स्वागत करें। जी सर, धन्यवाद सर। सर प्रणाम सर, शुरुआत तो आचार्य जी ने कर दी है। मैं गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ। सुरेशाय नमः, विनायको योखिल लोकनायको यो विघ्नराजो प्युत्विघ्ननाशकम् अनेकदन्तार्चित पादयुग्मकम् तमेकदन्तम् प्रणमामि सन्ततम्। संकष्टनाशन गणेशम् गणेशाय नमः, नारदवाच प्रणम्य सरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमिव च सप्तमम् विघ्नराजेन्द्रम् सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंयम पठे नरनौ च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धं करं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नार्थ संशयाष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। बहुत आभार श्वेता मैम। और मैं सर का परिचय क्या ही दूं, सर को तो सब लोग जानते हैं। सर ये आप देखिए मेरे डेस्क पे, सर ये बुक आपकी हमेशा रखी रहती है, ये जो आपकी बुक है सर। और मैं आपको बताऊं सर कि हमारा गूगल मीट का लिमिटेशन है कि 200 बच्चे ही आ सकते हैं। करीब हमारा 10,000 से 12,000 बच्चों का कम्युनिटी है। पिछले 5 साल से डायनेमिक प्रोफेसर यूजीसी नेट के फील्ड में काम कर रहा है, आपके आशीर्वाद से और आपके प्रेरणा से। और ये जो बुक है सर, मैं हमेशा इसको अपने टेबल पर रखता हूँ। और मैं आज इंग्लिश लिटरेचर में कुछ भी बन पाया हूँ, मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा सहयोग आपकी किताब का है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपका आशीर्वाद मुझे और मैं फिर अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि भाई कैसे पढ़ना है। और आपका सर आज साक्षात्कार, आपका दर्शन पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है सर। आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सर हम सभी को मोटिवेट करें, हम सभी को दिशा निर्देश दें, हम सभी को बताएं कि हमें आगे क्या करना है, कैसे JRF करना है और उच्च शिक्षा में कैसे हम अपना एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं सोसाइटी। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल मिश्रा जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ स्कॉलर्स। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में आज बोल रहा हूँ।
ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है जब एक आप लर्न्ड कम्युनिटी में बैठते हैं और अपनी बातों को शेयर करते हैं। सो आई बिलीव कि जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, दे ऑल आर हाईली लर्न्ड एंड हाईली क्यूरियस टू लर्न। तो अभी आई नॉट टेक टू मच टाइम, सीधी बात, नो बकवास। सो आई हार्डली टेक योर 30 मिनट्स टाइम एंड आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देखिए, जब मोटिवेशन और गाइडेंस की बात आती है तो पहले आपको उस लेवल तक पहुंचना होता है जहां पे आप अपने लाइफ के एग्जांपल देके दूसरे को मोटिवेट कर सकते। आपको किसी और के लाइफ के एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर वो दिन आ जाए तो समझ लो आप कि आप दूसरे को मोटिवेट करने लायक हो गए हो, आप उसके लायक बन चुके हो। सो मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। द ईयर वॉज अराउंड 2001-2002 जब मैं प्लस टू कर रहा था, 10+2। तो जिंदगी में सपना था इंजीनियर बनने का। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी कि चलो जेई क्वालिफाई करेंगे, IIT JEE का एग्जाम दिया और रैंकिंग कुछ 50,000+ आई थी। सो समबडी एडवाइज कि एक काम करो, आप तमिलनाडु चले जाओ, चेन्नई में जो है ना बहुत सारे कॉलेजेस भरे हैं, देर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस इन चेन्नई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यू विल गेट इजी एडमिशंस। सो आई वेंट इन सम यूनिवर्सिटीज, VIT में गया, देन एक कोयम्बटूर में कॉलेज था, SSN कॉलेज, वहाँ पे गया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में गया, लाइक सो मेनी कॉलेजेस आई विजिटेड। बट उस टाइम पे मैकेनिकल का बहुत जोर शोर था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं जहां गया मैकेनिकल वॉज फुल। सो फाइनली आई वेंट टू वन यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस था, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी चेन्नई में। सो दे सेड कि ठीक है, आपका सीट तो है हमारे यहाँ खाली, आपको एडमिशन मिल जाएगा, यू विल हैव टू पास थ्रू अ काउंसलिंग सेशन, इंटरव्यू सेशन। मैंने कहा ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो एडमिशन हो जाएगा। सो पैनल ऑफ अराउंड 4 पीपल वर देयर हु आर टेकिंग द इंटरव्यू। सो उन्होंने कहा कि चलो आप बताना शुरू करो, दे स्टार्टेड आस्किंग सम फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चंस इन इंग्लिश। और चूंकि मैं बिहार से था तो वास्तव में मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, इट वॉज नॉट गुड। सो दे सेड कि यहाँ पे जितनी भी इंजीनियरिंग की क्लासेज चलेंगे सब इंग्लिश मीडियम में चलेंगे, सारी किताब इंग्लिश मीडियम में, यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट, तो आपको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसा लगा कि किसी ने बिल्कुल सारे कपड़े उतार दिए, सरेआम बेइज्जती हो गई। तो उस दिन जब मैं उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ देखा और कहा कि इस यूनिवर्सिटी में एक दिन इंग्लिश का प्रोफेसर बन के आऊंगा मैं, और आज मैं उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। तो ये बेइज्जती जो है ना बड़े काम की चीज होती है। अब्राहम मास्लो ने अपने बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में इस चीज को बताया है कि अगर आपको कोई बेइज्जत कर देना बस उसको पकड़ लेना है, तो उसको प्रूव करना है। तो बाद में मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक किया मैंने, फिर एमटेक भी किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या था, बदला, बदला लेना है। सो आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन बट बाय पैशन आई एम इंग्लिश प्रोफेसर। सो व्हेन आई बिकेम इंजीनियर, अब ये सपना कैसे पूरा होगा, मेरा फील्ड बिल्कुल अलग है, आई एम साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अब इंग्लिश में जाना है, इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट, एंड बिकॉज ऑफ जॉब आई कैनॉट डू द रेगुलर क्लासेस। तो फिर मैंने इग्नू का सहारा लिया, आई डिड माई बी ए, आफ्टर डूइंग एम टेक आई डिड माई बी ए। कोई सुनेगा तो सोचेगा क्या मजाक है भाई, एमटेक बर करने के बाद बीए कौन करता है, बट आई डिड माई बीए, देन आई डिड माई एमए इंग्लिश, बीए इंग्लिश, देन एमए इंग्लिश, देन आई डिड पीएचडी इन इंग्लिश, देन आई क्वालिफाइड जेआरएफ, देन आई क्वालिफाइड नेट 7 times नेट, देन आई क्वालिफाइड सेट एग्जाम ऑफ ऑल द स्टेट्स, जितने स्टेट 10 states कंडक्ट करते हैं सारे स्टेट के सेट क्वालिफाई किए। बस ये बदला लेना था कि किसी ने कहा है मुझे कि तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है। तो आप भी ऐसे आदमी को ढूंढो जो आपको बदनाम करे, ह्यूमिलिएट करे। आज मैं आया हूं आप लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए,
अच्छा मौका है आज। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई वजह है या किसी से इंस्पायर होके कर रहे हैं। भाई मेरे दोस्त ने किया तो चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। वाई क्लियर होना चाहिए आपका, क्यों कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, चारू मेहता, इफ यू आर देयर आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन एंड लेट्स मेक द सेशन इंटरेक्टिव। आप बताएंगे आप जो भी तैयारी कर रही हैं क्यों कर रही हैं। आई थिंक शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके राजू सोनी, गुड राजीव इवनिंग जी प्लीज। या जी प्लीज प्लीज। सर, हाँ जी आपकी गो अहेड। स्टोरी सुन के बहुत मोटिवेशन मिला मेरे को। एक्चुअली मेरी भी एज 44 इयर्स है और मैंने दो अभी एमए जस्ट क्लियर किया है और उसके बाद मैं पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चे, दो बेटे हैं मेरे, एक मेरा बेटा उसने नीट का एग्ज़ाम दिया है और वो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और दूसरा मेरा बेटा 10th में है। तो मैं भी सर बस स्टडीज़ को लेके बहुत मतलब था मेरे मन में कि मैं पढ़ाई करूं। जब बच्चे मैरिज के बाद काफ़ी छोटे थे तब मन में था लेकिन उस टाइम कर नहीं पाई। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने मोटिवेट किया कि मम्मी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो आप अपनी स्टडीज़ आगे कंटिन्यू करो। तो कोविड के टाइम पे मैंने एमए फिल किया और मतलब एमए भी अच्छे मार्क्स से हो गया मेरा। मैंने स्टार्टिंग में सर नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है 12th के बाद। मैं इससे पहले मैं जॉब करती थी स्कूल में टीचर, बट शादी के बाद छोड़ना पड़ा मेरे को बच्चों के लिए। लेकिन अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है, वही पैशन वही चीज़ दोबारा से पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। राहुल सर की क्लासेस में आती हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, सर बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोबारा से सही से पीआईडी के लिए सोच रही हूँ, क्लियर हो जाए, नेट के एग्जाम भी क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं सर, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं सर, इनकी वेरी क्लासेस नाइस में आके बहुत अच्छा लगता है। वेरी आपकी नाइस वेरी स्टोरी भी नाइस। सुनी सर, डेफिनेटली अच्छा लगता है, ऐसे करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इस बार डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा मेरा। ओके वेरी गुड चारू जी वेरी गुड। थैंक यू सेम सर। क्वेश्चन आई लास्ट टू राजू सोनी, क्योंकि मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। राजीव जी प्लीज। ओके सिमरन, सर आई वॉन्टेड टू क्लियर नेट यूजीसी ओनली बिकॉज आई लव लिटरेचर, दैट्स वाई। एंड सर हम आई वॉन्टेड टू बिकम अ प्रोफेसर बाई प्रोफेशन बिकॉज आई लाइक दिस सब्जेक्ट एंड लव फॉर दिस सब्जेक्ट, सो आई चूज द प्रोफेशन। डॉक्टर फास्टस के दो दोस्त थे जिन्होंने ब्लैक मैजिक सिखाया था, क्या नाम था उनका। लेट मी चेक योर लव फॉर लिटरेचर। हाँ जी सिमरन। नहीं गूगल सर्च नहीं करना है, अपने आप बताना Forgotten now. है। नहीं तो ऐसे लव नहीं दिखेगा ना, प्यार को इजहार को दिखाना पड़ता है, मन में रखने से कैसे पता चलेगा। यू हैव टू प्रूव इट। ओके सो डोंट टेक इट बैड। माय पर्पस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि आपको अपना वाई पता है कि नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि हम देशभक्ति के लिए कर रहे हैं, शेक्सपियर से प्यार हो गया इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पे हैं। शेक्सपियर से प्यार करने के लिए और लिटरेचर से प्यार करने के लिए कोई नेट क्लियर नहीं करता, मैं बता दूं आपको फैक्ट। इसका मतलब आप जो हैं वो वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, असलियत दुनिया में नहीं है। मोटिवेशन आपके अपने घर में आप चारों तरफ देखेंगे ना उससे आनी चाहिए। घर में आपका बेड कैसा है, घर में कार कैसी है, घर में स्विमिंग पूल है कि नहीं, घर में जिम है कि नहीं है। नहीं है तो वहां से मोटिवेशन आना चाहिए। लिटरेचर को लव करने के लिए कोई नेट को ले रहेगा तो थोड़े करता। आप तो इमोटिवेशनल दुनिया में रह रहे हैं। यू हैव टू फाइंड मोटिवेशन इन द लैकनेस दैट यू हैव। आपके घर में किस चीज की कमी है, आपके पेरेंट्स ने
कहाँ तक नाव पहुंचाई है उसके आगे आपको लेके जाना है। आपके सर के ऊपर जो लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, अचानक से थोड़ी जली है, पहले वो पीली वाली बल्ब आई थी, फिर उजली वाली बल्ब आई, फिर ट्यूबलाइट आई, तो कोई ना कोई यहाँ से ले जाके यहाँ छोड़ा है, आपको वहां से आगे लेके जाना है, आपके अगले जनरेशन को वहां से आगे लेके जाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने कहाँ तक लाके छोड़ा है, साइकिल पे छोड़ा है, मोटरसाइकिल पे छोड़ा है, कार पे छोड़ा है, उसको आगे आपको लेके जाना है, वो वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप डिसाइड कर लें कि आपका वाई क्या है, अदरवाइज आप कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे। घर में किस चीज की कमी है, किसके सपने को पूरा करना है, क्या सपना है, तब आप क्वालिफाई करें। नेट क्वालिफाई करने के लिए बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, ये चाहिए, वाई चाहिए पहले आपको। बाकी किताबें तो मिल ही जाएंगी आपको। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं हम, पोस्ट मॉडर्न एज के बाद ये इंफॉर्मेशन एज आ गया है, जहां पे इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है। आपके खुद की हार्ड ड्राइव में देखेंगे मोर देन 500 पीडीएफ्स पड़े होंगे, लेकिन उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। सो द सेकंड थिंग व्हाट यू रिक्वायर इज व्हाट नॉट टू रीड। पढ़ना तो सब कुछ है, मैं आपको अभी 500 पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ो, बट क्या नहीं पढ़ना है। अब तीसरा चीज उसके लिए जरूरी है एक अच्छे मेंटोर की। आप लोगों के सामने राहुल जी एक अच्छे मेंटोर बैठे हुए हैं। अगर आपके पास मेंटोर नहीं है, आपके पास गुरु नहीं है, आपको पता है सलमान खान जो है ना पिछले 30 सालों से जिम कर रहे हैं और आज भी उनको एक मेंटोर की जरूरत है। क्यों भाई, 30 साल में तो सीख गए होंगे ना एक्सरसाइज करना, फिर क्यों मेंटोर चाहिए। मेंटोर आपको अंतिम सांस तक चाहिए, बस आपको ढूंढना है मेंटोर, एक ऐसा मेंटोर जो आपको समझ सके, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जहां पे आप आके फंस गए, अब आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट, वहां पे मेंटोर आपको बाहर निकाल के लेके आएगा। वो बताएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो बताएगा कि फेल हो गए तो अब क्या करना है। एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, तीन बार फेल हो गए, अब क्या करना है, वहां पे मेंटोर चाहिए। नेक्स्ट इज फैमिली सपोर्ट। आप अंदर से बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन आपकी फैमिली में अगर आपके घर वाले कहते हैं कि तुम नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, तो सारा मोटिवेशन खत्म। और मैं बता दूं, फैमिली वालों को समझाना सबसे मुश्किल होता है। आप पूरी दुनिया को कन्विंस कर लोगे, फैमिली वालों को कन्विंस करना सबसे लास्ट में। Do you agree me or not? Yes, sir. Yes. तो अगर फैमिली वाले को कन्विंस कर लिया आपने, तो आधे जंग आपने जीत लिए। अब फैमिली में कौन आता है, किससे आप अपने मैटर को शेयर कर सकते हैं? योर पेरेंट्स, योर ब्रदर एंड सिस्टर, मैरिड है टू हस्बैंड एंड वाइफ, चिल्ड्रन, बस यही चार लोग हैं जिससे आपको अपने ड्रीम को, गोल को शेयर करना है। बाकी पूरी दुनिया से आप बिल्कुल एक चूहे के बिल की तरह जीना शुरू करेंगे। जैसे चूहा बिल में चला जाता है, वैसे आपको बिल में रह के आप अपनी तपस्या करनी है, जैसे ऋषि महर्षि गुफाओं में तपस्या करते थे, और अपने सारे ड्रीम को बिल्कुल टॉप मोस्ट सीक्रेट रेड रेड कलर में लिख के रखना है, टॉप मोस्ट सीक्रेट, किसी को नहीं बताना। दुनिया की नजर में अपना लायक बन के रहो, लोग आपको नालायक समझें, बस आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं वो सही चल रहा है, मैं सही रास्ते पे हूं। फेल भी हो गए ना, तो किसी से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार दोस्तों को बता दिया, यार नेट एग्जाम देने गए थे, अब तो पूछेंगे दोस्त क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, अब बोलना पड़ेगा फेल हो गए, बेइज्जती हो जाएगी, तो बताना ही क्यों है। मेंटेन द सीक्रेसी, भाई हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम तो चाय बेचने वाले हैं, कभी चाय बेच लेते, कभी पकौड़ा बेच लेते हैं। सो मेंटेन द सीक्रेसी, टॉप मोस्ट सीक्रेट।
दीवालों के भी कान होते हैं, उनको भी पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, शरीर सही नहीं है, तो दिमाग काम नहीं करेगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, जिस दिन आपको रिवीजन करना होगा उस दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है उस दिन आप फीवर में लेटे पड़े हैं। तो हेल्थ और आपका जो पढ़ाई है दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ चलना चाहिए। हाँ जी प्रीति, मैं उसकी भी बात करूंगा, मेंटल हेल्थ की भी बात करूंगा। तो आप एक हैबिट डाल लीजिए कि डेली 1 घंटे कम से कम अपने आप को अपने बॉडी के ऊपर देना है। अगर 24 घंटे में 1 भी घंटे अपने शरीर को नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में देने के लिए तैयार हो जाइए। ये सारे कुछ जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा करके एक दिन जाके हॉस्पिटल में दे देंगे। तो बोथ द थिंग्स गोज टुगेदर, हेल्थ एंड स्टडी। तो जो लोग नहीं हेल्थ पे काम करते हैं, कल से 1 घंटे की वॉकिंग शुरू कर दीजिए। आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। दौड़ नहीं सकते तो वॉक तो कर सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते तो घर में कम से कम स्किपिंग रोप से स्किपिंग ही कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, माइंड बहुत तेज भागेगा और बॉडी उसके कंपैरिजन में धीरे हो जाएगा। माइंड का क्या, माइंड तो भाई 1 सेकंड में ऑस्ट्रेलिया घूम लो, मन में सोचो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, मन में सोचो यूनाइटेड स्टेट्स तो यूनाइटेड स्टेट पहुंच गए। मन तो हवा से भी तेज भागता है, लेकिन जब माइंड की बात करते हैं, माइंड चाहता है ये भी अचीव कर लें, ये एग्जाम भी क्वालिफाई कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, 5-6 चीजें एक साथ दिमाग चाहता है सब कर लें। बॉडी बेचारा ढीला पड़ जाता है, लेजी पड़ जाता है, वो कहते भी नहीं हमसे तो नहीं होगा, हम तो थके हुए हैं। तो क्या होगा, बॉडी और माइंड एक दूसरे से अलग होते चले जाए और फिर आपका माइंड जो है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे और बोलेंगे नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो ये तभी होगा जब आप माइंड को और बॉडी को एक साथ लेके चलेंगे। यू विल नॉट बिलीव कि बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, आई एम इंटरनेशनल योगा ट्रेनर, कोई रिलेशन है क्या? तीनों तीनों फील्ड में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं, बट आप अपने अलग अलग होराइजन को ट्राई कर रहे हैं। किस किस होराइजन को, किन किन ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं? रिसेंटली आई एम अवॉर्डेड बेस्ट योगा ट्रेनर ऑफ द कंट्री। कोई रिलेशन नहीं है, बट दिस इज व्हाट योर पैशन फॉर। अगर आपके अंदर पैशन है तो आप कर सकते हैं अच्छी, पैशन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी से इंस्पायर होके आ गए, दोस्त से इंस्पायर होके आ गए, अरे यार मैंने क्वालिफाई कर लिया तू भी कर ले, अगर ऐसे आप आ गए हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए पढ़ाई। पैशन नहीं है, पढ़ाने का पैशन नहीं है, टीचिंग का पैशन नहीं है, तो आप अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रहे हैं और गलती से आप क्वालिफाई कर गए तो कितने सारे स्टूडेंट की भी लाइफ बर्बाद करें। टीचिंग का पैशन होना चाहिए। अगर नींद में भी कहा जाए ना कि टीचिंग करा दो तो वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सबके अंदर है वो है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि हर कोई एक से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व है और टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और टाइम मैनेज नहीं होता है तो धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होने लगता है। शुरुआत में एवरीवन इज सो एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड, तो हमारी जो लर्निंग है ना वो जे कर्व पे चलती है। जे ऐसे जे लिखते हैं ना, ऐसे जे ऊपर की तरफ, जब आप शुरुआत करेंगे तो आप नीचे जाएंगे। लर्निंग कर्व हमेशा जे बनता है ऐसे नीचे की तरफ,
जब भी आप शुरुआत करेंगे नीचे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की शुरुआत कर लें, किसी काम की शुरुआत कर लें, आप नीचे ही जाएंगे। नीचे जाने के बाद अगर आप सस्टेन कर पाए तो फिर आप ऊपर जाना शुरू करेंगे, और यही वो टाइम होता है जहां पे 50% लोग क्विट कर देते हैं। नीचे नीचे जाते जाते जाते, अरे तो नीचे ही चलते जा रहे हैं, और वहीं पे क्विट करके खत्म कहानी। आज नेट की प्रिपरेशन शुरू की और 6 महीने के अंदर सारा जोश खत्म, जे कर्व के बॉटम में पहुंचते ही क्विट। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। अच्छा, वहां से ट्राई करेंगे तो क्या होगा, फिर से वही जे कर्व, फिर से वो नीचे ही आने वाले हैं। दूसरा भी ट्राई करेंगे, बॉटम में आते आते चलो ये भी नहीं होगा मुझसे, तीसरा ट्राई करते हैं। तो आधी जनता जो है वो जे कर्व के मिस्ट्री को समझ ही नहीं पाती कि उसके आगे वो ऊपर जाने वाला जो लाइन है वो उसके आगे है। और जे कर्व हर प्रोफेशन में आएगा, जहां जाओगे वहां आएगा। यहां तो कम से कम आप बीए में, एमए के अंदर, पीएचडी के अंदर थोड़ी पढ़ के आए हो, ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानकारी है। इसको छोड़ के कहीं और जाओगे तो बिल्कुल वैसी बात होगी कि 10 किलोमीटर के रेस में 8 किलोमीटर दौड़े, बोले अब मेरे बस की बात नहीं है, दूसरी रेस दौड़ेंगे फिर से जीरो से। तो टाइम को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। मान लो कि मैंने आपको एक बास्केट दिया है और मैंने कहा कि आप बाजार से सब्जी खरीद के ले आओ। आपको आलू भी खरीदना, प्याज भी खरीदना, टमाटर भी खरीदना, केला भी खरीदना है, सलगम भी खरीदना है, तो आपको ये तो पता होना है ना कि नीचे क्या रखना है और ऊपर क्या रखना है। सबसे पहले आप टमाटर खरीदोगे और नीचे रख दोगे, उसके ऊपर आलू रख दोगे, उसके ऊपर प्याज रख दोगे, उसके ऊपर केला रख दोगे, और सबसे लास्ट में सलगम रख दोगे। तो टमाटर का क्या होगा, फूट जाएंगे सारे टमाटर, बर्बाद हो जाएंगे, और साथ के साथ सारी सब्जियां भी बर्बाद हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं बास्केटिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको बास्केटिंग पता होनी चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, बास्केट में सबसे ऊपर क्या रखना है। तो कल जितने आपको काम करने हैं आपको 24 घंटे पहले आज ही एक लिस्ट बना लेनी है कि मेरे ये 10 काम मुझे करने हैं। अब इन 10ों में सबसे ऊपर क्या है, टमाटर क्या है मेरा, और मेरा आलू क्या है। टमाटर मीन्स टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, आलू मीन्स बॉटम मोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है, फुल ऑफ टाइम। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं मानता हूं उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त है, उनको पता ही नहीं है कि टाइम निकालना कैसे। मेरे लाइफ में भी 24 आवर्स हैं, आपके लाइफ में भी 24 आवर्स हैं। मैं सुबह 5 बजे से 6 बजे योगा का सेशन लेता हूँ, 6 से 7 बजे योगा का सेशन लेता हूँ, 7 से 8 बजे के बीच में तैयार होता हूँ, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में मेरे अलग अलग पोर्टफोलियो मैंने होल्ड कर रखे हैं, प्रोफेसर भी हूँ, एडिटर भी हूँ, एसोसिएट डीन भी हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं मैनेज करते हुए फिर 5 बजे घर पर आता हूँ, 5 से 6 का मेडिटेशन का सेशन लेता हूँ, 6 से 7 मेडिटेशन का सेशन लेता हूँ, 7 से 9 बजे तक नेट का सेशन चलता है, 9 से 10 बजे तक मेरी सेल्फ स्टडी होती है। तो एवरी आवर इज फुली पैक्ड एंड आई नो कि हर एक घंटे को कैसे यूज करना है, और मेरे पास टाइम ही टाइम है। देखिए राहुल जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैंने निकाल लिया टाइम, टाइम तो निकल ही जाता है। हाँ ये है कि एक दिन नहीं तो अगले दिन, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पे इसको फिट किया जा सकता है, कहाँ पे एक स्लॉट खाली है जिसके अंदर इस कमिटमेंट को डाला जा सकता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको आता ही नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, बास्केटिंग सीखनी पड़ेगी। और जब तक आप पेन एंड पेपर पे लिख नहीं लेते हो कि क्या काम करना है, तो दिमाग जो है वो ओवरलोडेड रहेगा। लिखना शुरू करो, अपने आप को सोसाइटी से कट ऑफ करो, सोशल मीडिया से कट ऑफ करो, इंस्टाग्राम बंद करो, फेसबुक बंद करो, डीएक्टिवेट करो, नहीं चाहिए। किस लिए चाहिए भाई फेसबुक, YouTube के रील्स नहीं देखने हैं। जब पढ़ने बैठो एयरप्लेन मोड को ऑन करके बैठो आप, नहीं तो पता चला एक लाइन पढ़ी उधर से टू की आवाज आई, तुरंत दिखा रही किसका मैसेज है, और एक मैसेज देखने के तो दिखा रहे वो 4 मैसेज और आए हुए हैं। अच्छा उसमें किसी ने एक वॉइस मैसेज भेज रखा है,
तो चलो वो भी सुन लेते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रेक्शन की शुरुआत होती है, और उसमें एक लिंक भी आया हुआ है, चलो उस लिंक को थोड़ा खोल के देखते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पे लेके जाएगा। वहां पे आप देखोगे यार ऊपर और भी दो चार अच्छे अच्छे वीडियो हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम लीक होना शुरू होता है। टाइम के अंदर दो चीजें हैं, एक टाइम किलर और एक टाइम लीकर। लीक जो होता है ना, पता ही नहीं चलता है। बाल्टी नीचे से थोड़ी सी फूटी हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी कैसे निकल गया। ऐसे ही आपका टाइम भी लीक करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे लीक कर गया, पूरा दिन निकल गया, अरे कैसे निकल गया, आपको पता ही नहीं चला लीक कर गया वो। उस लीक को ढूंढना है, छोटे छोटे जो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ये सब लीक हो रहे हैं उसको ढूंढना है, उसको पकड़ना है। अरे 2 मिनट मेरा कैसे लीक हो गया। जब मैं नेट की तैयारी करता था तो मैं वॉशरूम में अपने नोट्स को चिपका के रखता था। कैन यू बिलीव इट, वॉशरूम में कौन पढ़ाई करता है, क्योंकि वहां पे 5 मिनट जा रहे थे मेरे। आई वॉज फाइंडिंग कि वो 5 मिनट कैसे पकड़ के रखा जाए। तो इस तरह से आप टाइम को ढूंढेंगे तो बहुत सारे टाइम टाइम ही टाइम। आप अपने घर को किताब बना दो, दीवालों को नोट्स से सजा दो, आप चारों तरफ कुछ ना कुछ नोट्स चिपके होने चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो किचन में चारों तरफ, वॉशरूम में चारों तरफ, बाथरूम में चारों तरफ, जहां देखो वहीं नोट्स चिपके हैं, जिधर नजर घुमाओ वहीं 2 पॉइंट आपको मिल जाए। तब आप स्कॉलर हो, तब अपने आप को आप क्राउड से अलग फील करो। किताब तो सभी पढ़ रहे हैं ना, उससे अलग क्या कर रहे हो आप। जब आप इंफॉर्मेशन की दुनिया में रह ही रहे हो तो अपने आप को भरो इंफॉर्मेशन से। और जब एक बार आपने चलना शुरू कर दिया तो बस चलते जाना। आपको ये जे कर हमेशा ध्यान में रखना, जब तक जो आपने शुरू किया है उसको कंप्लीट ना हो जाए उसको छोड़ना नहीं। शुरू किसने किया था, छोड़ने से पहले पूछना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना वॉल, कुछ पढ़ पा रहे हैं आप, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कोई पढ़ पा रहा है? Yes, sir. क्या लिखा है? When you feel like quitting, think about why you started. Yes. तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि अब छोड़ देते हैं मुझसे नहीं होगा, तो एक बार सोचना जरूर है इस लाइन के बारे में, शुरू ही क्यों किया था भाई, तो छोड़ना ही था तो। और डिसाइड किसने किया था कि शुरू करते हैं, तो अपने डिवोशन और डेडिकेशन को मेंटेन करके रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे मोटिवेशन लेवल डाउन होता चला जाता है। शुरुआत में सब लोग बड़े मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जब आप लिटरेचर की दुनिया में जाते हैं और ये मोटी मोटी किताबें देखने को मिलती हैं, सारा मोटिवेशन धराशायी हो जाता है। मेरा भी हुआ था, जब मैंने पहला नेट का एग्जाम दिया था तो मेरे उस समय सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो 100 नंबर में मेरे शायद 3 या 4 नंबर ही आए थे, क्योंकि मैंने इग्नू से पढ़ाई की थी ना डिस्टेंस मोड में, तो कुछ समझ ही नहीं आता था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थियरी एंड क्रिटिसिज्म बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाता था, ये क्या है। ब्रिटिश पोएट्री तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी, खासकर मिडिल एज वाली जो चौसेरियन एज की जो पोएट्री है, लगता था ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। तो सबके साथ ऐसा होता है, मैं एक बार फेल नहीं, आई फेल्ड 6 टाइम्स बिफोर आई क्वालिफाइड फर्स्ट टाइम। 6 बार फेल हुआ मैं, 7वीं बार में पहली बार क्वालिफाई हुआ, क्योंकि जो नेट का सिलेबस था वो बीए और एमए के सिलेबस से 5% मैच करता था। बीए और एमए सब मिला दो तो नेट के सिलेबस का 5%। तो जब हमने नेट के दायरे में कदम रखा तो देखा कि ये तो समंदर है,
इट्स लाइक एन ओशन, और कोई ये नहीं बता रहा कि कौन सी किताब पढ़नी है. कोई बोल रहा है भाई डब्ल्यू आर गुडमैन पढ़ लो, कोई बोल रहा है एंड्रयू सैंडर्स को पढ़ लो, कोई बोल रहा है कि डेविड एचेस को पढ़ लो, कोई बोल रहा है आर डी त्रिवेदी को पढ़ लो. तो मैं सारी किताबों को खरीदता चला गया, जहां से जो बोल रहा है सारी किताबें खरीद लो. तो ऐसे करके मैंने करीब 50 किताबें खरीद डाली. लेकिन अब ये नहीं बता रहा है कि उसको पढ़ना कैसे है. तो मैं पाइलअप करता गया, किताबें की संख्या जो है वो बढ़ती चली गई, और जितनी किताबों की संख्या बढ़ रही थी उतना ही फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा था, उतना ही एंग्जाइटी भी बढ़ रहा था, आगे करना क्या है. तो ऐसे सबके लाइफ में ये स्टेज आते हैं, क्योंकि मेरी किताब आने के पहले इंडिया के अंदर ऐसी कोई किताब ही नहीं थी जो कि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बनी थी. ये जितने फॉरेन राइटर्स हैं आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते हैं कि इंडिया में नेट का एग्जाम हो रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सिलेबस के हिसाब से किताब लिख दो. कोई नहीं लिखता है, ना ही डब्ल्यू आर गुडमैन की है, ना ही डेविड डैचेस की है, ना ही एंड्रयू सैंडर्स की है, ना ही डब्ल्यू जे लॉन्ग की है. किसी ने भी नेट व्यू से नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने तो पूरी हिस्ट्री लिखी है. अब हो सकता है आप पूरी हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन आ जाएं. तब जाके मुझे समझ आया कि मुझे ये पता करना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड को कैसे समझा जाए. फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना शुरू किया. 1994 से लेकर के करीब 100 क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किए, और सारे वर्क्स को वहां से निकाला, सारे राइटर को निकाला मैंने कि कौन कौन से राइटर उनके क्वेश्चन बैंक में हैं, वही पढ़ने हैं, बाकी क्यों पढ़ने भाई. और फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू की और मैंने नोट्स बनाने शुरू किए, अपने नोट्स. करीब 40 किताबें पढ़ी मैंने, मोर देन 500 वेबसाइट्स को सर्फ किया, और फिर मैंने अपने 8000 पेजेस के नोट्स बनाए. मोटी मोटी डायरियां जो थी, करीब 10 डायरियों के अंदर मैंने नोट्स, 8000 पेजेस, 3 साल लगे उसको बनाने में. वो एक जुनून था कुछ नया करने का. और जब वो नोट्स तैयार हुआ उसके बाद मेरे क्वालिफाइंग एरा शुरू हुआ. उसके बाद मैंने जितने एग्जाम दिए अपने लाइफ में सारे क्वालिफाई किए मैंने. और आपके पास जो ओवर लिटरेचर की किताब पहुंची है वो उसी का नतीजा है, जो मैंने 3 साल अपने खून पसीने गवाए वो आपके सामने. और मैं बता दूं कि जिस दिन मेरा किताब रिलीज हुआ उसके अगले नेट एग्जाम से ही कॉम्पिटिशन हाई हो गया, क्वालिफाइंग परसेंटेज बढ़ गया, कट ऑफ हाई हो गया. और मेरा जब थर्ड एडिशन आया है तो मैं देख रहा हूँ कि और भी कंपटीशन हाई हो गया है. तो उस लेवल के साथ आप दौड़ पा रहे हो कि नहीं दौड़ पा रहे हो. सभी भाग रहे हैं अपने अपने रेस में, आप भाग रहे हो कि नहीं भाग रहे हो. आप आगे वालों को देख रहे हो, पीछे वाले को देख रहे हो, कितने आगे दौड़ रहे हैं, कितने पीछे दौड़ रहे हैं. कम्युनिटी स्टडी का ये बहुत फायदा है. यहाँ पे जो 150 लोग बैठे हुए हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिटी स्टडी. जब आप लोनली अपने घर में बैठे हो, तैयारी करो, आपको पता ही नहीं चल रहा है दूसरे कहाँ दौड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कौन कहाँ दौड़ रहा है, कौन कितना फास्ट दौड़ रहा है. तो जो भी आप कर रहे हो एक बार में एक काम करो, नेट की तैयारी करो, नेट की तैयारी करो. 4 काम पकड़ के नहीं चलना, 1 thing at a time, एक चीज पे फोकस करो. हॉर्स फोकस, बिल्कुल सीधा देखना है एक जगह पे, एक चीज अचीव करो दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ. सोचो भाई नेट भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ये लेक्चरर वाला भी देख लेते हैं, ये पीजीटी पीजीटी का है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, और पीएचडी भी कर लेते हैं, तो कुछ नहीं होगा आपसे. कॉम्पिटिशन बहुत टाइट है, वेरी टाइट. और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि कोई किताब एक है जो मिसिंग है, मेरे पास नहीं है, और उसकी खोज में वो चारों तरफ भटक रहे होते हैं, और जो उनके पास है उसको नहीं पढ़ेंगे. बहुत सारे मैंने स्टूडेंट से मिले हैं जिनके पास वर्ल्ड लिटरेचर की किताब है, उसको मुश्किल से 2-4 दिन पढ़ा होगा, उसके बाद वो ढूंढ रहे हैं सर कौन सी किताब अच्छी है. मैंने कहा वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ ली. नहीं सर वो तो है मेरे पास, मैंने पढ़ ली,
नहीं अभी पढ़ी तो नहीं है सर, बट और कोई किताब बता दो सर। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो जो आपके पास है उसको देखो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मेरी वो लिटरेचर वाली बुक पढ़ लो आप, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म ऑन योर लिप्स पढ़ लो, और प्रैक्टिस वर्कबुक आप सॉल्व कर लो। ये तीनों पैकेज है नेट का, इसके बाहर कुछ कहीं जाना ही नहीं है आपको। सब कुछ इजी करके मैंने सर्व कर दिया है समाज को, बट अगर आप भाग रहे हो इन चीजों तीनों चीजों को छोड़ के बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आप ट्रैप हो जाओगे। किताब खरीद लोगे फिर आपको लगेगा कि नहीं आ रही है किताब, तो मजा नहीं आ रहा है इसमें से, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। आप इन तीनों किताबों को पढ़ लो, मेरी गारंटी अगर आपने इन तीनों किताबों को 10 बार पढ़ा है आपका ZRF कोई रोक नहीं सकता। 10 बार मतलब रिवीजन। अगर आपको लगता है एक बार पढ़ के हो जाएगा तो नहीं होने वाला है। किताब को इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि किताब कहे कि बस भाई छोड़ दो, तब आप क्वालिफाई करोगे। आप तीसरा किताब मेरा प्रैक्टिस बुक वर्कबुक है, आप अमेजन पे सर्च करेंगे या गूगल में सर्च करेंगे वर्क्स बुक्स बाय प्रेम शंकर पांडे तो सारी किताबें आ जाएंगी मेरी, सो यू कैन फाइंड। अमेजन में भी आप मेरा नाम डालेंगे तो सारी किताबें आ जाएंगी। तो कम से कम आपको 10 बार पढ़ना है। अब मान लो कि नए शहर में जाते हो, आप नए शहर में किसी सड़क पे आप जा रहे हो, तो क्या एक बार में उस सड़क पे जितनी दुकानें हैं सब आप देख लेते हो? कितनी दुकान कपड़े की है, कितनी दुकान स्टेशनरी की है, कितनी दुकान बर्तन की है, सब आप देख लेते हो क्या एक बार में? तो यही समझ आता है कि रास्ता सीधा साधा है, उबड़ खाबड़ है या समतल है। जब दूसरी बार जाते हो तो 2-4 दुकानें दिखती हैं, और जब 10 बार उस रोड पे आते जाते हो तब आपको समझ आता है कि इस सड़क पे कितनी दुकानें हैं। किताब भी बिल्कुल वैसी है, एक सड़क की तरह है। जब तक आप 10 बार उसको आगे पीछे नहीं करोगे, 10 बार पलट के रिवीजन नहीं करोगे, तब तक इधर नहीं घुसेगा वो, दिमाग में नहीं जाएगा। तो अगर आप इस गलत फहमी में हो कि 2-4 बार रिवाइज कर लिया तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको उतना टाइम निकालना पड़ेगा और 10 बार रिवीजन कम से कम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, जो भी आप अपने गोल को सेट किया हुआ है। चलिए, एक किसी स्कॉलर ने पूछा था कि सर कुछ माइंड रिलैक्सेशन की टेक्निक बताओ। तो ये बहुत जरूरी है, माइंड को पीसफुल रखना, शांत रखना, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सुबह सुबह आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। नहीं आता है तो आओ मैं सिखाता हूँ आपको मेडिटेशन। जब आप माइंड और बॉडी को जोड़ना सीखोगे तो आपका माइंड और बॉडी साथ में चलेगा, शांत दिमाग से बैठोगे आप। जब आप पढ़ने बैठो तो आप बिल्कुल ये सोच के बैठो कि हाँ जो भी चाहिए वो राहुल जी से आप पूछ लेना, राहुल जी को मैं दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये सोच के बैठो कितने देर पढ़ना है आपको। ऐसे नहीं कि बस ब्लाइंडली आके बैठ के पढ़ना है। मान लो आपको ट्रिप जाना है तो आप देखते हैं ना, प्लानिंग करते हैं कौन से रास्ते से जाना है, कौन से मीडियम से जाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, कौन सा खाना ले जाना है, इतनी सारी प्लानिंग करते हैं। पढ़ते समय कोई प्लानिंग नहीं, बस आके बैठ गया, किताबें खोल ली और जितने पेज हुए वो पढ़ लिए। आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करना शुरू करो। पोमोडोरो टेक्निक, आप गूगल के प्ले स्टोर में जाओगे और वहां पे आप पोमोडोरो एप्लीकेशन डाउनलोड करना। आप पोमोडोरो एप्लीकेशन, जब वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो कहेगा कि भाई आप मेरे अंदर एक बटन है, उस बटन को प्रेस कर दो। वो 25 मिनट का टाइमर है, 25 मिनट आपको पढ़ना है। उस 25 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आप केवल और केवल पढ़ाई करेंगे। और इसके बाद आप 5 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर से लगा लो 25 मिनट। ऐसे करके आप 4-5 बार ऐसे करके आप तैयारी करो। आपके माइंड में कुछ भी थॉट आ रहा है तो उसको लिख लो, चलो इसको वो 5 मिनट का जो ब्रेक होगा ना उसमें कर लूंगा। थॉट तो आएंगे, डिस्ट्रेक्शंस आएंगे, लेकिन आप उसको लिख लो तो अब वो नहीं आएंगे। एवरीथिंग विच इज नोटेड इज नॉट रिपीटेड, ये ह्यूमन साइकोलॉजी। और दिमाग का काम है सोचना, तो सोचेगा। ओवर थिंकिंग है तो आएगी आएगी, दूसरे थॉट डिस्ट्रेक्शंस आएंगे आएंगे, इट्स क्वाइट नेचुरल।
बट ये नोटिंग वाली है, अभी डाल लो, कुछ भी याद आ रहा है, अरे किसी को कॉल करना था, ठीक है नोट कर लो कि कॉल कर लूंगा, तो अब वो दोबारा दोबारा दिमाग में आपके नहीं आएगा। किसी को मेल भेजना है, ठीक है नोट कर लो, सब्जी लानी थी भूल गए, दूध लाना था भूल गए, चलो नोट कर लो आप। तो इस टेक्निक को आप यूज करना शुरू करो तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा, मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट रहेगा, और आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो एक चीज मैं फाइनली आप बताना चाहूंगा कि नेट की तैयारी करने के लिए और नेट को क्वालिफाई करने के लिए केवल किताबें और मेहनत जरूरी नहीं है। इन सारी चीजों को आप निचोड़ेंगे तब जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही है आज, और आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो आई विल टेक दोज क्वेश्चंस आल्सो वन बाय वन। गाइज, आप में से किन्हीं को भी कोई क्वेश्चन सर से पूछना है, अपना नाम, आप कहां से हैं वो, और प्लीज क्वेश्चन जल्दी आप पूछें। माइक को अनम्यूट करके हेलो सर, अपना नाम। जी हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी रोशनी, गुड इवनिंग सर, वेलकम टू दिस डायनामिक प्रोफेशन ग्रुप। सर मेरा क्वेश्चन कि सर मैं बिगिनर्स हूँ अभी सर, रिसेंटली हमने अभी पीजी कंप्लीट किया है गवर्नमेंट महाकौशल कॉलेज जबलपुर एमपी। सर मैं नेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, और सर टाइम तो बहुत कम है क्योंकि मुझे जून 2024 या दिसंबर 2024 तक मुझे एनी हाउ मुझे इसको इसमें सक्सेस पाना है सर। तो सर ये क्या पॉसिबल है कि हो पाएगा, और हमें क्या स्ट्रेटजी और क्या माइंडसेट बना के रखना है, और हम कैसे ना कैसे मोटिवेट रहें, तो सर इसके बारे में कुछ गाइडेंस दीजिए सर। ओके, देखिए रोशनी जी, पहले तो मैं बता दूं कि जब आप पॉसिबिलिटी की बात कर रही हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट अगर आप चीजों को जल्दी करना चाहती हैं तो उस तरह का आपको गाइडेंस भी चाहिए। चीजों को फास्ट अचीव करना है तो आपको गाइडेंस भी सुपर फास्ट चाहिए, अदरवाइज एक साल तो आपको ये समझने में निकल जाएगा कि सिलेबस क्या है। बिल्कुल सर, यही हो रहा है सर, मैं 15-20 दिन से स्टार्ट किया पढ़ाई, तो सर मैं अभी कंफ्यूज ही हूँ सर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस कंफ्यूजन की एक वजह है, आपको यूजी और पीजी में अच्छे टीचर नहीं मिले। अच्छे टीचर मिले होते तो शायद ये कंफ्यूजन नहीं होता आज। सर तो मेरा बैक ग्रेजुएशन बीएससी था, और फिर मैंने सर पीजी एमएसए किया सर, थोड़ा ये भी एक इसलिए इसलिए और ज्यादा तकलीफ है। तो आप ये सोचना छोड़ दो कि एक साल में या 6 महीने में आप क्वालिफाई हो जाओगे। आपको एक साल तो बैकग्राउंड बनाने में लगेंगे, पिलर खड़े करने में लगेंगे। जिस दिन पिलर खड़े हो जाएंगे फिर बिल्डिंग बनेगी आपकी। आप सीधे सोच रहे हो बिल्डिंग कैसे बनेगी, बिल्डिंग प्लास्टर कैसे होगा, पेंट कैसे होगा, पहले आप ये सोचो कि फाउंडेशन कैसे बनेगा। जी सर, ठीक है। तो कम से कम आपको 6 महीने लगेंगे फाउंडेशन बनाने में, और आपने अच्छे से मेहनत किया तो 1 साल और 1.5 साल के अंदर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एनीबॉडी एल्स? जी नमस्कार सर, आराम से। हाँ जी, वन बाय वन अभिषेक झा बताइए। जी जी प्रणाम सर। सर मैं अभिषेक झा बिहार से हैं। सर एक सवाल है मेरा कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सर उसमें जो पुरानी चीजें रहती हैं सर, वो फिर जो है सो रिकॉल होता भी है, और कभी कभी जो है सो सर परेशान भी हो जाता है कि हाँ हमने जो पहले पढ़ा था वो याद ही नहीं है, और फिर जो है सो दो चार बार आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो फिर ये भी जो है सो रिकॉल में नहीं आता है सर। ये चीजें ना कभी कभी डाइवर्ट कर देती हैं मन को सर, इससे कैसे निपटा। अभिषेक जी, भगवान ने जो दिमाग बनाया ना, बड़ा सुपर बनाया है। अगर हम चीजों को भूलेंगे नहीं तो आप गम को कैसे भुलाएंगे। आज आपके लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई और आप चाहते हैं कल ही भूल जाएं उसको, कैसे भूलेंगे। भगवान ने भूलने की टेक्निक बनाई है, समय एक मलहम है, और कहते हैं कि समय के साथ हम चीजों को भूल जाते हैं, तो भूलना तो अच्छी चीज है। अब उसको याद कैसे रखना, वो टेक्निक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। 10 बार रिवाइज करो, दिमाग समझ जाएगा ये भूलने की चीज नहीं है। आज तक अपना नाम भूले हो, अपने डेट ऑफ बर्थ भूले हो? नहीं सर। तो आप वो भी नहीं भूलोगे, भूलना अच्छी बात है।
बस उस टेक्निक को सीखना है कि उसको याद कैसे रखा जाए, और टेक्निक एक ही है, 10 बार रिवाइज करो, ठीक है? जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम उज्जवल। हाँ जी उज्जवल, गुड इवनिंग सर। आई हैव टू बुक्स लाइक वर्ल्ड लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म ऑन योर लिप्स, सो आई हैव मेमोराइज्ड बोथ द बुक्स, आई हैव रीड मोर देन 20 टाइम्स एंड थ्रू दैट आई गॉट द यू नो यूजीसी नेट। बट माई क्वेश्चन इज दैट सर, इज इट नेसेसरी टू बाई द थर्ड बुक दैट यू हैव मेंशनड, दैट इज अ प्रैक्टिस बुक, बिकॉज आई हैव गॉन। देखिए देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लास में आपको स्विमिंग के सारे थियरी समझा दिए कि आपको जाना है, जंप लगाना है, हाथ ऐसे चलाना है, पैर ऐसे चलाना है, तो क्या आप स्विमिंग कर लेंगे? Yes, sir, that requires, yeah, चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए। आपको जाके स्विमिंग पूल में जंप करना पड़ेगा और वहां पे आपको सीखना पड़ेगा, तब आप सीखेंगे। तो जो प्रैक्टिस वर्कबुक है वो मैदान में जंग कैसे लड़ना है वो सिखाएगा, बाकी दो जो किताबें आपको थियरी सिखाएंगी। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे? यस सर, अभी 2 महीने है तो मैं वो बुक ले सकता हूँ और वो हेल्प करेगा आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ जी योगेश बताइए। सर नमस्ते, मैं योगेश तिवारी, मैं बॉम्बे से। अच्छा मैंने सर की मैं नेट क्वालिफाइड हो चुका हूँ 22 में, और बाय द वे मेरा आपसे पहले भी बात हो चुका है ऑन द कॉल, बुक के रिलेटेड थोड़ा सा मिसकंसेप्शन और मिसकम्युनिकेशन दोनों हो चुका था। कि कुछ लोग थे जिसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशंस कर रहे थे, हम लोग एक्चुअली राहुल भैया और बद्री भैया और शाहरुख और जॉर्जन करके हैं, हम लोग 4-5 लोग हैं जो आपकी ब्लेसिंग से हम एक ग्रुप ये रन हो रहा है एक्चुअली, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट की स्टूडेंट की जो बहुत सारे फीस ले रहे हैं। अगर आप देखने जाए क्लासेस में दो दो तीन क्लास हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब चार्जेस ले रहे हैं, तो ऐसा सब जगह तो पॉसिबल तो है नहीं कि सब वो पे कर सके। और मैंने एक बुक है डॉक्टर सी आर टेटरवाल, वो राजस्थान से ही हैं टीच, एक्चुअली वो प्रोफेसर हैं आप जानते होंगे, उन्होंने एक बुक बनाया ब्रशअप ब्रशअप योर इंग्लिश लिटरेचर। एक्चुअली वो बुक सर मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा बहुत, एक्चुअली मुझे वो ही केवल PYQ सॉल्व करने में मतलब लगभग 3 मंथ लगभग 25 डेज गया था, केवल मैंने लगभग 4 महीने के आसपास केवल मैंने PYQ सॉल्व किया था। नेट पढ़ के मुझे फर्स्ट टाइम मैंने सर सॉल्व किया अर्पिता कारवा की वेबसाइट से, फ्री मतलब अवेलेबल है, आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं विद द क्वेश्चंस विद द आंसर्स बोथ। उसमें ये मालूम चला कि हम एक केवल घोड़ा रेस दौड़ रहे थे और जस्ट मैंने सॉल्व कर लिया और मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट ये PYQ सॉल्व करने के बाद मुझे कुछ आइडिया हो गया कि पेपर मतलब कैसे एक्चुअली पूछ रहे हैं। और शायद से मतलब ये बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगा अर्पिता कारवा को कि मतलब उसने सिलेबस प्रोवाइड किया, जैसे आपने बताया कि हमें विलियम जेलोंग या डेविड डेचिस हमें कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं करता कि हम द ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू हम जाके हम नेट की प्रिपरेशन कर सके, या वो ओरिएंटेड दिखाए कि हम उससे हम कुछ सोर्सेस हम बोलते हैं कि अडाप्ट कर सकते हैं जिससे हमें हमारे एग्जाम में वो हमें हेल्प हो सके, बट ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे। अगर आप देखने जाए, आपने एंड्रयू सैंडर्स की बात की, एंड्रयू सैंडर्स ऐसा राइटर है, मैंने पढ़ा उसको और मैंने अपने मन में बहुत बार गाली दिया कि ये मतलब उसने ये बुक लिखा क्यों, मतलब कि अगर आप पढ़ने जाएंगे डेविड डेचिस तो आपको बहुत ही स्कॉलरली वे में जाके पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप आराम से प्यार से एकदम भगवत गीता से पढ़ो चुपचाप, अगर नहीं टाइम है तो आप हडसन को पढ़ लो प्यार से, विलियम जिलोंग को पढ़ लो और एडवर्ड एल्बर्ट को पढ़ लो। पर मैंने सर ऐसे पैटर्न मैंने फॉलो किया तो UGC ने चाहती कि हमारी जो सुपीरियरिटी जो हमारे एग्जाम में है वो कंटिन्यू मतलब बनी रहे, तो उन्होंने सर ये इंडियन ट्रांसलेशन का बहुत बार मैनिपुलेशन किया स्टूडेंट के साथ में, उनको लगता है कि हमारी जो पैटर्न लेवल है वो डाउन ना हो जाए, तो वो बहुत अटपटे अटपटे क्वेश्चन रखते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वर्ल्ड लिटरेचर का ये सर ये लगभग मैं मिनिमम अगर बोलूँ तो मैं लगभग 26 टाइम मैं इसको रीड कर चुका हूँ वर्ल्ड लिटरेचर पूरे, और सर मेरा बस 99.39% आया था, मुझे बस जस्ट 69 में मुझे टच करना था GRF के लिए, तो मतलब उस टाइम तो नहीं है पा, लगभग हम लोग 12-15 लोग GRF हुए थे, उसमें से मेरा ही बस एक था कि मैं बच गया था। और तो अभी मतलब मेरे को सर जानना है कि ये इंडियन ट्रांसलेशन जो वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं इन्हें हमें ग्रैब कैसे करना, क्योंकि कोई तो बुक्स तो है नहीं अवेलेबल, लोग मोस्टली कहते हैं कि अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको DU का, JNU का और BHU का सिलेबस ऐसा है कि आपको हेल्प कर देगा,
बट अगर हमको बोलते कि अगर हमें वो ओरिएंट होके जाना पड़े कि हमें इंडियन ट्रांसिशन कवर करना है बहुत ही अच्छे वे में, क्योंकि वो हमें वहाँ पे बहुत फंसा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन देखिए 2-3 साल का, तो आप देखो ट्रांसिशन से बहुत क्वेश्चन उठा के फेंक रहे हैं। इंग्लिश इन इंडिया में कभी क्वेश्चन आते थे नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इंडियन इंग्लिश इन इंडिया पे पूछ रहे हैं। मतलब एकदम अच्छा खासा कि वो बहुत ही कम क्वेश्चन आते थे, बट अभी वो इंडियन ट्रांसलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपना प्रश्न पूछें, गुरुदेव हम सभी के गुरु हैं, आप बस प्रश्न पूछें। तो सर ये ट्रांसलेशन वाला जो हमको मतलब कवर कैसे करना पड़ेगा, हमें ये जानना है, और कुछ दलित लिटरेचर के जो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। ओके ओके, देखिए योगेश जी, मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन 100 के पीछे पढ़ने की कोशिश ना करें। आपको GRF क्वालिफाई करने के लिए 70 क्वेश्चन ही बनाने हैं। अगर आपको 100 में 70 आ रहे हैं, तो आप GRF क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप 80-20 जो टेक्निक है उसको फॉलो करेंगे, 20% पे फोकस कीजिए, जिससे कि 80% सिलेबस कवर हो। 80% फोकस करके 20% अगर आप पा रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि वो 2-4 क्वेश्चन छूट रहे हैं और उसका कोई बुक भी नहीं है और स्टडी मटेरियल भी नहीं है, तो उसको आप बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे, आपको 80% एनर्जी वहीं पे खर्च करनी पड़ेगी। आप उसको छोड़िए, जो आपका स्ट्रांग एरिया है, जहां को आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही हो सकता था, ये मैंने पढ़ा है, उस पर फोकस कीजिए। 70-75-80 लाइए, आप आराम से GRF टॉपर बनेंगे। 100 के पीछे पड़ेंगे तो आप कभी 100 को पकड़ नहीं पाएंगे, उसके चक्कर में आपका जो 70 है वो भी छूट जाएगा। बट सर ऐसा कि बोथ पेपर को हम इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेपर वन पे अगर हम जाएंगे तो पेपर टू भी हमारा छूटता है, बट हमारा अगर हमें कोई गाइड करने आता है, अगर हमारा मेंटर आता है, तो हमें बोलता है कि हमको बोथ इक्वली, मतलब बोलते हैं कि इक्वली टाइम देना है, कि हमको पेपर वन भी बैलेंस करना है और पेपर टू भी करना है। जब भी मतलब नेट क्वालिफाई हुआ था सर, तो तब उस टाइम मेरा 78 क्वेश्चन सही हुआ था। अभी मैंने एग्जाम नहीं दिया, इस बार का जो अभी हुआ था एग्जाम नहीं दिया, उसमें मेरा 85 क्वेश्चन सही हुआ है। मतलब मैं जस्ट डर गया कि मतलब मेरा प्रिपरेशन नहीं है और वो नहीं हो पाएगा, और मेरा पेपर वन में ही सर लैग कर जाता है। नहीं तो आपको पता है ना प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, लैक हो रहा है तो उसको पूरा करना है। आप जैक लाका की थीरी पढ़ेंगे लैक एंड डिजायर, तो वही यही कहते हैं कि जिंदगी में लैक है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, कम से कम लैक तो है तो सही, फिल इन द ब्लैंक्स है तो सही, भरो उसको आप। चलिए थैंक यू योगेश जी। एनीबॉडी एल्स, कोई? नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं राजीव कुमार कोलकाता से, और पहले तो सर मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। मेरे पास 2 बुक्स ऑलरेडी है, आपका जो सेकंड एडिशन एंड आपका जो थर्ड एडिशन है उसको भी मैंने रखा है, और इससे मुझे नेट क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मतलब मदद मिला है, और इसके लिए सर आपको बहुत ही मतलब प्रणाम मैं करता हूँ। और सच में ये बुक बहुत बड़ी एक मतलब बाइबल बुक अगर बोलो तो कम नहीं होगा, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में नेट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इवन सर भी हम लोगों को ये बुक, राहुल सर भी हम लोगों को ये बुक मतलब सजेस्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा बुक है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मतलब आता है, और सिर्फ मुझे नहीं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मतलब पूछना है कि जो क्रोनोलॉजी है उसको सर कैसे याद करें, मतलब क्योंकि मतलब बहुत सारे मेंटर्स, बहुत लोग अलग अलग आइडियाज देते हैं इसको याद करने के लिए, इवन बहुत लोग अपने आइडियाज से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर बना के करो। इवन मैं भी बहुत लोगों को मतलब बोलता हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर बना के करो, मगर अंत में क्या होता है, जितने भी आइडियाज सुनने के बाद करना हम लोगों की पड़ता है, मतलब हम स्ट्रैटेजी जो है वो जितना भी मेंटर हम लोगों को बताए कि ऐसा स्ट्रैटेजी है, मगर बनाना हम लोगों को ही पड़ता है, खुद का एक स्ट्रैटेजी जो है वो मतलब बनाना पड़ता है। तो सर आप इस क्रोनोलॉजी को मतलब एकदम सही तरीके से मतलब एकदम मतलब बिना रट्टा मारे एक अच्छे पॉइंट में हम लोग इसको याद रखें, और इसको आने वाले समय पे भी जब हम लोग प्रोफेसर बन जाए किसी भी कॉलेज में, तो उस टाइम पे हम लोग को बुक की जरूरत ना पड़े और सामने स्टूडेंट्स को हम लोग इजीली इसको पढ़ा दें, तो इसके बारे में सर प्लीज कुछ बोलिए। ओके थैंक यू, वेरी काफी जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए जो क्रोनोलॉजी आती है ना, इसमें एक टैक्टिस को यूज किया जाता है, और टैक्टिस ये होता है कि अगर आपको 4 वर्क दिए जा रहे हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, तो उसमें आपको 2 अगर पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेटर को ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि आप
जो चार वर्क दिए गए हैं उसमें दो जो है मेजर वर्क रहेंगे और दो जो है वो अननोन रहेंगे। तो अगर आपको वो दो पता है तो आप क्वेश्चन को सही करके लेके चले जाओ। अब वो दो कैसे याद करने हैं उसके लिए टेक्निक आपको यूज करनी है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन टेक्निक क्या है, जो आपको पता है उससे कनेक्ट करो। अगर आपको शेक्सपियर का ईयर ऑफ बर्थ पता है, ईयर ऑफ डेथ पता है, तो उस डेकेड में कौन कौन सी किताब लिखी गई है वो कनेक्ट कर लो आप, वो क्योंकि वो आपको पता है। उससे जितने अननोन चीजें हैं उसे कनेक्ट कर लो। आपको पता है कि पोप का जन्म कब हुआ था, अलेक्जेंडर पोप का, उस डेकेड में जितनी किताबें लिखी गई उसे कनेक्ट कर लो तो आप कभी नहीं भूलोगे। कनेक्ट नहीं करोगे तो आप हमेशा भूल जाओगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस साल में कितनी किताबें पब्लिश हुई हैं आपको पता होनी चाहिए। कनेक्ट करना शुरू करो नोन टू अननोन, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और सर आपने जैसे तब पूछा कि हम लोग नेट क्यों क्रैक करना चाह रहे हैं और नेट के लिए प्रिपरेशन कैसे मतलब क्यों कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है सर मैं आपके बुक को तो फॉलो करता ही हूँ और राहुल सर को भी बहुत ज़्यादा मतलब वो उनसे मोटिवेशनल मैं लेता हूँ। इवन मैं खुद भी एक मतलब टीचर हूँ, पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, मतलब एमए के स्टूडेंट लोगों को मतलब पीजी के स्टूडेंट्स लोगों को भी पढ़ाता हूँ। तो बात यह है सर मैं ये जो नेट है इसका प्रिपरेशन इसलिए मैं कर रहा हूँ, जेआरएफ के लिए बेसिकली मैं प्रिपरेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर मुझे ये जो टीचिंग है इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है सर, लोगों से कनेक्ट होना और इन्फॉर्मेशन मतलब सर्कुलेट करना। और ये टीचिंग है ऐसा प्रोफेशन है ये पूरी वर्ल्ड में, मुझे लगता है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर कोई प्रोफेशन है तो वो है टीचिंग। तो इसीलिए मैं लोगों के साथ कनेक्ट हो के जहाँ पे इस टीचिंग व्यवस्था ठीक से नहीं पहुँच रहा है, एजुकेशन जो मतलब जहाँ पे कमी हो रहा है उसको पूरा करने में, बस उस पूरा करने के लिए मुझे जो मेथड्स फॉलो करना पड़ रहा है जैसे कि यूजीसी नेट हुआ, जैसे इंटरव्यूज हुआ मतलब प्रोफेसर बनने के लिए, तो वो चीज़ सर मैं कर रहा हूँ बस, और बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर बस। वेरी नाइस। आप केवल नॉलेज पे फोकस करो, नॉलेज आपको है तो दुनिया आपको पूजा करेगी, नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी कर लो कुछ होने वाला नहीं। केवल और केवल नॉलेज पे फोकस करो। लोग कहते हैं कि सर इग्नू में पढ़ के कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता, तो मैं बता दूं मैं बीए भी मैंने इग्नू से किया है और एमए भी इग्नू से किया है और पीएचडी भी मैंने पार्ट टाइम से किया है, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, और फिर भी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके लिटरेचर थ्योरी की क्लासेस लेता हूँ। तो नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, आपके नॉलेज की पूजा होती है, डिग्री चाहे कहीं से भी हो डजंट मैटर, केवल और केवल नॉलेज ही आपको जिस स्टेट में है ऊपर उठा के लेके जा सकता है और कुछ नहीं। अगर आप पहुंच भी गए जंप मार के तो स्टेप आपको पता ही नहीं चला कि आप ऊपर पहुंचे कैसे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो फिसलेंगे भी तो एक स्टेप फिसलेंगे और समझ जाएंगे। सर मैं खुद सर एक एनएसओयू का स्टूडेंट हूँ और मेरा मास्टर्स एनएसओयू मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से हुआ है और जर्नलिज्म में फिलहाल मैं कर रहा हूँ फिलहाल मास्टर्स डबल एमए। चलिए थैंक यू। तो राहुल जी किया जाए, चलिए श्वेता जी आप भी लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन जी श्वेता जी। सर प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बताया कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स के जो सिलेबस हैं वो नेट के बस 5% है। जब हम लोग अपनी नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तब तक तो बिल्कुल सही रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग फॉर्म डालते हैं नेट एग्जाम की तब हमारा दिमाग जो है खराब होना शुरू होता है कि बहुत सारा सिलेबस पड़ा है, ये समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। उस समय लगता है अरे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं पढ़ा, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो नहीं पढ़ा, तो इसको कैसे बैलेंस बनाएं सर, इसका संतुलन कैसे करें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा श्वेता जी। मान लीजिए कि आपके घर में आप किसी गेस्ट को आपने बुलाया हुआ है, ठीक है, तो गेस्ट मान लीजिए रात को 10 बजे आने वाला है तो आप तैयारी कब शुरू करेंगे, 9 बजे शाम से ही सर, शाम से ही शुरू कर देंगे और सब्जी वगैरह जो है वो शाम को खरीद के लेके सारा कुछ लेके आ जाएंगे और तैयारी शुरू कर देंगे। और गेस्ट आने वाला था 10 बजे, अगर 6 बजे आ गया तो क्या होगा? ट्रेजेडी हो जाएगी। तो
तो एग्जाम में भी आप वही कर रहे हैं। जब एग्जाम सर पे आ गया तब आप सोच रहे कि कौन सी सब्जी लाएं, कौन सा बनाएं, गेस्ट आ गया अब क्या करें। अगर आप उस गेस्ट की एक दिन पहले तैयारी कर लेते, सारी सब्जियां पहले खरीद के लेके, पनीर पहले खरीद के ला के रख देते, तो चाहे गेस्ट कभी आ जाए कोई टेंशन है क्या? नहीं सर। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी सर, धन्यवाद सर। सर एक क्वेश्चन मेरा। चलिए चलिए, आपने माइक ऑन कर लिया तो पूछ ही लीजिए, बताइए माही। नमस्ते सर, मेरा नाम माही है, मैं दिल्ली से हूँ। सर मेरा माइंड ना डिस्ट्रैक्ट होता रहता है पढ़ते टाइम, तो मैं उसको कैसे ठीक कैसे करूँ कि पढ़ाई में बैलेंस लगे रहे? क्यों होता है डिस्ट्रैक्ट, कोई रीजन? सर कोई रीजन तो नहीं है, पर समझ नहीं आता। समझ क्या नहीं आता, जिंदगी समझ नहीं आती या किताबें समझ नहीं आती? सर पता नहीं चलता कि क्या हो जाता। अच्छा, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है जिंदगी में, राइट? अगर ऐसा है तो आपको एक मेंटर की, अच्छे मेंटर की जरूरत है, जो कि आपके हाथ को पकड़ के थोड़ी दूर लेके जाए और फिर कहे कि अब आप खुद चल के दिखाओ। ठीक है, तो एक ऐसे मेंटर को ढूंढिए, और नहीं तो आप ऐसे ही हवा में घूमते रहिएगा और किसी दिन गिर जाइएगा। ठीक है माई जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं। और आप पिछले 1 घंटे और 25 मिनट से आप अपने लेक्चर को दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और ऐसा हमारा मोटिवेशनल सेशन होता रहता है सर, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को हुआ है कि करीब 11 बज चुके हैं और अभी भी संख्या 120 से ज्यादा है। तो ये मैं अब क्या बोलूं, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते जाएंगे, पता नहीं रात बीत जाएगी, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं आपके एक एक वर्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो टेम्पेस्ट है विलियम शेक्सपियर का, तो वहां पे जैसे यू कैन से प्रोस्पेरो का जो रोल रहा है वो वैसा मैं आपको फील कर पा रहा हूँ कि आपके पास जो चार्मिंग है और आपके पास जो रिटोरिकल जो आपका वे है प्रेजेंट करने का सर, वो गजब का है। और आप ना सिर्फ अपनी लेखनी से बल्कि अपने वाक्पटुता से भी हम सभी को मोहित कर रहे हैं, और आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है सर। आज आपका दर्शन साक्षात हो पाया है, इसके लिए आपका बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस उम्मीद के साथ सर कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपना आशीर्वाद बना कर रखेंगे, हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, हमें आगे के लिए कैसे क्या करना है वो आप बताते रहेंगे सर, ये हम सभी के तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है। और आपका बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से आभार मैं प्रकट करता हूँ सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और बाकी सब स्कॉलर्स को भी जिन्होंने भी आज का सेशन अटेंड किया। और आपको कभी भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप राहुल जी से नंबर ले सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि मैं डायरेक्ट शायद कांटेक्ट ना कर पाऊँ, आपको थोड़ा सा अपॉइंटमेंट या 1 दिन 2 दिन डिले हो सकता है, बिकॉज मेरे कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बट डेफिनेटली मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वी कैन कनेक्ट टूगेदर। एंड राहुल जी का जो रिक्वेस्ट है, आई ऑलवेज कीप बेस्टोइंग माय एक्सपीरियंसेस विद योर कम्युनिटी ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर राइटिंग दिस वंडरफुल बुक, हम लोग के लिए बहुत मदद करती है। थैंक यू आप भाई भी बहुत आराम से, बहुत थैंक्स, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि हम आपसे मिल सके, बात कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। पूछ सर, अभी आएंगे, बाद में फिर आएंगे सर, गुरु जी का टाइम थोड़ा। इन लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, ठीक है? जिसको भी कुछ क्वायरी है आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा मुझसे, जब क्योंकि दिन में एक बार व्हाट्सएप खोलता हूँ मैं, और जितने सारे मैसेज रहते हैं सबकी एक साथ रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो वहां से आप मेरा नंबर लेके और अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि रात काफी हो गई है और मुझे, मैंने बताया सुबह 5 बजे मुझे उठ के योगा सेशन होस्ट करना है जी, तो मैं बहुत ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सर नेक्स्ट आपका जो बुक है, मतलब इसका नेक्स्ट वर्जन आने वाला है, मतलब अभी? हाँ जी बिल्कुल, इसी साल आएगा, दिसंबर तक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।
वेरी मोटिवेशनल सेशन। हाँ क्लास में बने रहिए, सर तो चले गए। हाँ अब आप लोग बोल सकते हैं क्या।